देखो लोग जो है रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। सामने देखो क्या ही मस्त पहाड़ दिख रहा है, वाव क्या नजारा है। रिवर देखो कैसे बह रही है एकदम मस्त। चंडीगढ़ पठानकोट सीधा एक और टनल। हाँ ये टनल देखो लाइट वाइट सब प्रॉपर है, बाकी पिछले वाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये वाला बहुत सही बनाया है। कल जो है मैं अटल टनल का ले नहीं पाया व्यू, कल हम अटल टनल होके गए थे। काफ़ी बड़ा काफ़ी मतलब लंबा टनल है अटल टनल। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग सही होंगे। पैकिंग वैकिंग सारी हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस अब निकल रहे हैं। बाकी मुझे दिखानी क्योंकि कल बहुत लंबी बाइक चल के आई है, बहुत ऑफ रोडिंग करके आई है, तो थोड़ी जो है एक बार सर्विसिंग वगैरह एक बार चेक करवा लेते हैं। तो चलते हैं सर्विसिंग करवा के फिर निकलेंगे। बाइक की हालत देखो, ये देखो यहाँ से पूरा धूल मिट्टी, ये देखो ये जो है ये टूट चुका है कल ऑफ रोडिंग में, ये निकलवाना पड़ेगा या फिर चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी सामान बांधते हैं, चलो निकलते हैं मनाली से। बाइक दिखानी है क्योंकि हमें जाना है वापस पूना, तो अच्छे से जो है चेक करवा के जाना पड़ेगा क्योंकि कल भाई साहब इतने इतने ख़राब रोड, इतने वाटर क्रॉसिंग, परेशान हो गए थे बस। बहुत लेट पहुँचे कल और बहुत थक गए थे। बाकी ये मनाली के नज़ारे देखो, वी आर इन मनाली। मनाली में गर्मी है यार, गर्मी हो रही है। आगे पहाड़, मनाली के पहाड़। कल यार मेरी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई, वरना बहुत सही सही व्यू थे। रोहतांग वाले रास्ते से आए हम अटल टनल होके। अटल टनल काफ़ी बड़ा है, कल मैं वो शूट नहीं कर पाया क्योंकि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी। बाकी ये देखो क्या ही मस्त नज़ारे, उसके बीच ये ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत रहता है। काफ़ी ट्रैफिक है, ये सब जो गाड़ियाँ जा रही है ये रोहतांग जा रही है, रोहतांग पास। ये वादिया पहाड़ देखो सामने, और नीचे देखो लोग गाड़ी धो रहे हैं। यहाँ से जो है पूरा रिवर है, लेफ्ट साइड से पूरा रिवर बह रहा है। हमें हमारी गाड़ी ठीक करवानी है, बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम देती तो हाईवे लगे, हाईवे रहेगा। हाँ 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 बाप रे इतना। सामने देखो क्या ही मस्त पहाड़ दिख रहे, वाव क्या नजारा है। रिवर देखो कैसे बह रही है एकदम मस्त। देखो लोग जो है रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, आगे कहीं इनका पॉइंट होगा और वहां से जो है ये ट्यूब वापस लेके आ रहे हैं।
वापस आ जाते हैं, वहाँ से जो है लेके आते हैं। हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। बताते चेक करवाते पूछते एक बार उनसे। बाइक का काम तो हो गया फिलहाल के लिए, ठीक करवा दिया है। एक पाइप जो है वो टूट रहा था, वो चेंज करवा दिया है। बाकी अब देखते हैं, अब कहा तो है होगी नहीं, फिर भी पता नहीं, इसका भरोसा नहीं है। बच चुके हैं 3, ये देखो टाइम वहाँ पे दिखा रहा है, 3 बज चुके हैं और हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि गाड़ी ठीक करवानी थी, काम था तो करना पड़ा। ठीक है लेट हो गए, बट क्योंकि अगर हम ठीक नहीं करवाते तो शायद आगे हमें दिक्कत देती, तो हमने पहले ही जो है यहाँ से ही सोचा कि ठीक करवा लेते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बाकी फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट में चेक किया हमने तो आगे जो है बारिश शो कर रहा है, तो जोरदार बारिश हो सकती है आगे। आगे कवर लगा लेंगे हम रुक के। बाकी मनाली से काजा से जो मनाली वाला रास्ता था भाई साहब, इतना खतरनाक परेशान कर दिया था वो रास्ते ने। इतने बड़े बड़े वाटर, वीडियो में आपने देखे होंगे, इतने बड़े बड़े वाटर क्रॉसिंग। और ऐसा होता है कि जब जब सुबह रहती है, सुबह जब आप जल्दी निकलो तो अच्छा रहता है, क्योंकि सुबह जल्दी निकलोगे तो सुबह जो है फ्लो कम रहता है, जो वाटर क्रॉसिंग रहती है, जो जो बहता है पानी, उसका फ्लो कम रहता है। जैसे जैसे शाम होते रहती है उसका फ्लो जो है वो बढ़ते रहता है। तो भलाई इसी में है कि जल्दी आप निकलो सुबह। तो अगर काजा साइड, अगर आप काजा साइड से आ रहे हो मनाली, तो जल्दी निकलो ताकि जो है रास्ता कवर हो जाएगा और फ्लो भी उतना नहीं रहेगा। ये ब्रिज काफ़ी मस्त है यार, देखो। तो आपको उतने वाटर क्रॉसिंग्स नहीं मिलेंगे, मतलब मिलेंगे बट उतना फ्लो नहीं होगा पानी का। बाकी हमने जो है ये मीटर पूरा चेंज करवा दिया है, चेंज करवा दिया मतलब इसका सेटिंग चेंज कर दिया है। ये जो माइल्स में शो कर रहा था सब किलोमीटर वगैरह, और मुझसे हो नहीं रहा था तो मैंने यहाँ से करवा लिया, टाइम वगैरह सब सब सेट करवा लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, धीरे 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 धीरे, ये क्या है भाई, हाईवे पे। हाईवे पे ऐसा सीन, बाकी मनाली के ये पहाड़ देखो, काफी बेहतरीन नजारा। सामने का पहाड़ देखो कितना बड़ा है, बाप रे। मंडी है 49 किलोमीटर, चंडीगढ़ है 249, दिल्ली है 481। तो हमने रुकना है चंडीगढ़ में स्टे करेंगे। बाकी मौसम अभी तक ठीक है, खाना नहीं खाया, लंच करना है, आगे जो रुक के लंच करते हैं मस्त। भैया जो है उनको जाना है दिल्ली, दिल्ली 481 किलोमीटर है। अगर मुझे जो है दिल्ली जाना होता तो मैं आज ही कवर कर लेता, 481 किलोमीटर मैं कवर कर लेता, पर हमें जाना है पुणे। ये जो लेफ्ट साइड में जो नदी है जो मनाली से आ रही है जहाँ से हम निकले, तो भैया बता रहे थे पिछले साल जो है यहाँ पे बाढ़ आई थी और पूरा जो है मतलब आसपास के दुकान गाड़ियाँ ये सब जो है तहस महस हो गया था। ये कौन सा टनल है ये पता नहीं, काफ़ी डरावना है। ये जो अपनी फॉग लाइट वो जो है ऑन कर देते हैं।
भाई अंदर कुछ दिख भी नहीं रहा है, इतना इतना अंधेरा है। लाइटें लगा रखी है फिर भी अंधेरा है। मुझे मेरी फॉग लाइट ऑन करनी पड़ी। चंडीगढ़ पठानकोट सीधा एक और टनल। हाँ ये टनल देखो लाइट वाइट सब प्रॉपर है, बाकी पिछले वाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये वाला बहुत सही बनाया है। कल जो है मैं अटल टनल का ले नहीं पाया व्यू, कल हम अटल टनल होके गए थे। काफ़ी बड़ा काफ़ी मतलब लंबा टनल है अटल टनल। कल मेरी GoPro की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी, उसी की वजह से मैं नहीं शूट कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। हो गए हैं और अभी भी जो है अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना है हमें, 200 किलोमीटर के आसपास कवर करना है, तो देखते हैं जहाँ तक जा पाते हैं। खाना भी नहीं खाया है तो लंच करना है, आगे रुक के लंच कर लेते हैं, उसके बाद जो है नॉन स्टॉप चलते हैं। तो ये होटल है, खाना खा लिया, काफ़ी लेट खाया, 5 बज चुके हैं, बट बस भूख लगी थी तो खा लिया। लेट हो गए थे क्योंकि आज हम अब जो है नॉन स्टॉप चलेंगे, अब कहीं नहीं रुकेंगे। अच्छा लग रहा है खाना खा के, अच्छा खाना था। शाम होने आई है, देखो 5 नहीं 6 बजना है। सर 5 बजे तो हम रुके थे, 5 बजे तो हम रुके थे, 6 बजने आए हैं, काफ़ी लेट हो गए हम। काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गए, शाम होने आई है, 6:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 6:20 हो चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और चंडीगढ़ अभी तक 103 किलोमीटर है, 102 अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है, 102 किलोमीटर है। एक सेकंड, 1 तरफ इतनी गर्मी है कि मैंने मेरे जिप खोल दिए ये हाथों के जैकेट के, इतनी गर्मी मुझे लग रही है, काफ़ी गर्मी है ये सर। अभी जस्ट रुक के नींबू पानी पिया तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। अब जो है चंडीगढ़ सिर्फ 70 किलोमीटर बचा है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है ये साइड। और बीच में एक टनल लगा था भाई, वो टनल के अंदर घुसते ही घुटन सी महसूस हो रही थी, घुटन सी। और भाई मैं वो सोच रहा हूँ कब ये टनल ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और घुटन सी अलग हो रही थी अंदर। वी आर ऑलमोस्ट इन चंडीगढ़, ओनली 30 किलोमीटर लेफ्ट। ये साइड का नया रोड है, ये साइड का जूना रोड है, देखो ऊपर नीचे है थोड़ा।
अरे 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 क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो? ये गुरुद्वारा देखो क्या ही मस्त लग रहा है, लाइटिंग काफी अच्छी कर रखी है उसमें। हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़, काफी अच्छा शहर है। देखो सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो कितना बड़ा जो है मार्केट है ये यहाँ पे, जिसमें सब कुछ है, सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, सारे ब्रांड्स है उसमें यहाँ पे भी। लो हम पहुंच गए हमारे होटल, ये आ गया। उफ, चलो पहुंच गए होटल HM क्रिस्टल। सामान वामान उतरना है। पहुंच गए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पहुंच के रूम ले लिया, ऐसा कुछ रूम है अपना, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अपने पूरा सामान बिखरा पड़ा है, यहाँ पे मेरा, यहाँ पे भैया का, भैया अंदर नहा रहे हैं। अभी पहुँचे थोड़ी देर पहले और जाके मैं थोड़ा घूम के आया बाहर, क्योंकि चंडीगढ़ में मैं घूमा नहीं हूँ पहले, तो घूम के आया। बाकी कल जो है हम निकल जाएंगे जयपुर के लिए और भैया निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। सोचा अकेले थे तो जब तक साथ में है तब तक चलते हैं, बाकी बाद में अलग हो जाएंगे। तो ये ब्लॉग को यही एंड कर देता हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।